आज हम लोग हैं हदियाबाद में। हदियाबाद फगवाड़ा में है, पंजाब में। और ये मेरे पीछे तथागत बुद्ध का स्टैचू है। और मैं जा रहा था यहाँ से बोप्पा रामा डेरे पे, जहाँ बीबी कृष्णा जी हमारी जो हैं संत हैं वो रहती हैं। लेकिन फिर अचानक देखिए लाइव में दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैंने कुछ फ़ोन से लाइव कर रहा हूँ तो लाइव में दिक्कत आती है। मैं कुछ दिखाने वाला हूँ, आप देखें। मेरे पीछे जो है ये तथागत बुद्ध की स्टैचू है। और मैं यहाँ इसलिए रुका कि जैसे ही मैं यहाँ से जा रहा था मुझे कुछ देखने को मिला, और जब कुछ देखने को मुझे मिला तो मुझे लगा कि इसको पूरी दुनिया को देखना चाहिए। ऐसे ही पंजाब हमारे रहबर की धरती नहीं है, वहाँ कुछ विशेष है। ये मेरे पीछे और दो स्टैचू। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, ये माँ सावित्रीबाई फुले और रमाबाई की स्टैचू है, पार्क में लगी हुई है हदियाबाद में फगवाड़ा। और इससे भी आगे हम चलेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये दया करुणा त्याग बलिदान समर्पण की मूर्तियाँ। और यही बात मैं आपको बता रहा था कि सिर्फ चित्र पकड़ने से काम नहीं चलेगा, चरित्र पकड़ना पड़ेगा। मेरे लाइव के बाद हमारे नौजवान साथी इसको देखेंगे, हमारे बुजुर्ग भी, हमारी बहनें भी, हमारी बीवियाँ भी, तो इसको देखें और फिर इससे अपने जीवन में कुछ उदाहरण लें। क्योंकि मैंने जैसा कहा कि सिर्फ हमें तस्वीरें नहीं पकड़नी है, चित्र नहीं पकड़ने, चरित्र भी पकड़ने हैं। तो मुझे तो बड़ा आनंद आया इसे देख के। मैं और भी कुछ दिखा देता हूँ। ये मेरे पीछे सम्राट अशोक, एक मौर्य शासनकाल रहा इस देश में, बहुजनों का, मूल निवासियों का, द्रविड़ों का, ये उसका एक उदाहरण है पीछे, जीता जाता नमूना। ये भी बड़ा अच्छा है। और मैं एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि हम 15 तारीख को राजनीतिक दल भी बना रहे हैं, जिसमें युवाओं को जिम्मेदारियाँ मिलेंगी, जिसमें युवा, जो ईमानदार युवा जो काम कर रहे हैं पिछले काफ़ समय से, वो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप किसी पर छींटाकशी ना करें, किसी को अपशब्द ना कहें, किसी को के बारे में कुछ ना कहें। हमारा काम जो है इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, अपने महापुरुषों का रुके हुए कार्य को आगे लेके जाना है। तथागत बुद्ध, बाबा साहब, साहू जी महाराज, फुले जी महाराज जी के सपने को पूरा करना है, माननीयवर साहब काशीराम के सपनों को पूरा करना, किसी का अपमान करना हमारा काम नहीं। ये एक और तस्वीर अभी आपको देखने को मिलेगी, ये इतिहास लिखा हुआ है। ये राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और छत्रपति साहू जी महाराज की स्टैचू है। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप देखें, ये एक इतिहास है, एक हिस्ट्री है, जिससे युग परिवर्तन हुआ। तो अनुराग, अभिषेक, सोनू और विशाल छोटे भाई हमारे साथ जुड़े हुए, आप इसको शेयर भी कर दें। ये इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये हमारे महापुरुष हैं और इनको पढ़ना ज़रूरी है। जब आप इन्हें पढ़ेंगे तभी इनके दिखाए रास्ते पर चलेंगे। मैं मुबारकबाद भी देता हूँ सहारनपुर से अपने छोटे भाई राजन को, अभिषेक को, उनकी पूरी टीम को, जो परिवर्तन यात्रा निकाल रही है साइकिलों पर, और वो बड़ा काम कर रही है। मैं उनका सम्मान करता हूँ और चाहता हूँ सभी लोग ऐसे ही गांव-गांव निकल के और बाबा साहब के सपने को, उनके कारवा को आगे बढ़ाएं, माननीयवर के कारवा को बढ़े। एक जो सबसे महत्वपूर्ण स्टैचू जो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो बहुत महत्वपूर्ण था, उसे देख के ही मैं यहाँ स्पेशली रुका था। अब मैं उसकी तरफ कैमरा करता हूँ, आप सब लोग देखें। ये दुनिया का सबसे प्यारा और अच्छा स्टैचू जो है यहाँ है। एक तरफ हमारे रहबर विश्व पुरुष दया करुणा के सागर बाबा साहब अंबेडकर, उनके हाथ में देश का संविधान। एक तरफ हमारे रहबर भारत के बहुजनों के मसीहा, भारत के राजनीतिक क्रांति के योद्धा, हमारे रहबर, मेरे राजनीतिक गुरु, मेरे आदर्श माननीयवर साहब श्री काशीराम की स्टैचू है। और ये खुद में ऐतिहासिक है, इसे देख के ऊपर हमारा पंचशील का झंडा लहरता हुआ। तो ये देख के मैं नहीं रुक पाया, मुझे लगा कि मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, पूरी दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि ये ऐतिहासिक है। ये आप जानें, ये इतिहास है। मैं एक मैसेज और भी दे दूं कि जब माननीयवर साहब काशीराम मूवमेंट चलाने के लिए आए थे तो उनको CIA का एजेंट कहा जाता था। आज तरह तरह के एजेंट कहे जाएंगे हमारे लोगों को और तरह तरह के आरोप भी लगेंगे, और कितनी तरह के आरोप लगा के जो है बदनाम करने का प्रयास किया जाएगा। गोपाल, छत्रपति, छोटा भाई हमारा साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आप याद रखना,
कि बाबा साहब ने कहा 21वीं सदी हमारी है, ये परिवर्तन का युग है और अब जिम्मेदारी युवाओं के कंधों पे है। जैसे बाबा साहब की वजह से हमें ब्लूप्रिंट मिला, कॉन्स्टिट्यूशन मिला, हमें अधिकार मिले, उसी तरह माननीय काशीराम साहब की वजह से हम लोग बाबा साहब को जान पाए। जब माननीय साहब काशीराम ने बाबा साहब को के सिद्धांतों को, उनके विचारों को हमारे बीच रखा, तब ये फोटो जो मेरे पीछे, आप इसको गौर से देखें, ये मेरी बाईं तरफ जो अभी दाईं तरफ दिखाई देगी, लाइव में हो सकता है ये उल्टी दिखाई दे रही हो। तो माननीय काशीराम साहब ने बाबा साहब को जनवाया, उनके विचारों को, उनके आदर्शों को, उनके कार्यों को हमारे बीच में रखा, तब हमने बाबा साहब का एक्सेप्ट किया पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने। आज बाबा साहब का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन आज युवाओं को अगर कुछ जानने की ज़रूरत है, कुछ समझने की ज़रूरत है, तो वो है हमारे रहबर माननीय साहब श्री काशीराम को, उनके आदर्श को, उनके सिद्धांतों को, और जो संघर्ष वो हमें देखे गए। एक बार मेरी राय ये है कि पूरी दुनिया में और इंडिया में हर गांव में एक व्यक्ति माननीय साहब काशीराम के आदर्शों को माने, उसको चले। और मैं लिख के देता हूँ, अगर जिस दिन बाप माननीय काशीराम साहब के दिखाए रास्ते पर, उनके सिद्धांतों पर हम लोग चलेंगे, मैं लिख के देता हूँ कि वो दिन दूर नहीं कि यहाँ बहुजनों का राज आएगा और फिर ये साल स्थापित, ये राज स्थापित होगा लंबे समय के लिए। जैसा मैंने कहा, किसी पर छीटाकसी नहीं करनी है, सोशल मीडिया भी ये हमारा काम नहीं, हमारा काम किसी को बुरा कहने से आगे नहीं बढ़ेगा, हमारा काम पुरानी गलतियों से सीख लेके काम करने से आगे बढ़ेगा। तो किसी पे भी आप टिप्पणी ना करें किसी भी तरह की। दूसरी बात जो मैंने कहा कि आप अपने रहबर माननीय साहब काशीराम को पढ़ें कि किस तरह की मुसीबतों में उन्होंने कारवा चलाया और कहाँ लेके गए, ये बहुत ज़रूरी है दोनों चीज़ें। दूसरी मैंने कहा, तरह तरह के आरोप के लिए आप तैयार हो जाएं, तरह तरह के आरोप लगेंगे आपको, क्या क्या कहा जाएगा, चरित्र से लेके परिवार से लेके सब चीज़ों की पे आरोपित किया जाएगा, लेकिन उससे घबराना नहीं है। ये बड़ी लड़ाई है, बदलाव की लड़ाई है, इतनी जल्दी स्वीकार नहीं होगी, लेकिन आपको काम से साबित करनी है। बाकी काम 15 तारीख को होगा, उसके एक बार और कभी जल्दी लाइव आके मैं उसकी जानकारी देता रहूँगा। तो मगर याद रखेंगे, अब इस देश में युवा परिवर्तन की तरफ चल रहे हैं और वो परिवर्तन करेंगे, अपने बड़ों के आशीर्वाद को लेकर, अपने महापुरुषों के सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो लिख के देता हूँ कि बाबा साहब के सपनों का भारत, माननीय साहब का सपनों का भारत, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, संत नामदेव, संत श्रोम सतगुरु रविदास जी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहब, माँ सावित्रीबाई फुले साहब, माँ रमाबाई, उसके साथ जितने भी बहुजन महापुरुष हुए, चाहे वो गुरु पेरियार स्वामी हो, पेरे ललित सिंह यादव हो, नारायण गुरु हो, संत गाड़गे हो, गुरु घासीराम घासीदास जी महाराज हो, बिरसा मुंडा हो, तो ये जितना पूरा अध्याय है ये सीखने से आएगा, पढ़ने से आएगा। तो फिर मैं आपको बता दूं कि ये वही तस्वीर जो आखिरी बार आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत लंबे समय बाद और बिल्कुल उनके कपड़ों जैसी बनाई गई है, जैसे कपड़े माननीय साहब पहनते थे बिल्कुल वैसे ही बनाई गई है। एक हाफ बाजू की शर्ट, जेब में कलम, पैर में जूते और एक सिंपल पैंट, कुछ नहीं लेके गए वो। आप उनके घर जाओगे, उनके परिवार की हालत देखोगे, मकान उनके चूते हैं, उनके मकान में जो है पानी टपकता, उनके गेटों पे पेंट नहीं है, उनकी दीवारों पर पेंट नहीं है, सब कुछ समाज के लिए करके गए। अब हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उनके कारवा को आगे बढ़ाएं, और ये हम अपने त्याग, बलिदान, तपस्या और अपने संघर्ष से साबित भी करेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, एक बार कुछ लोग स्वार्थ में बहुत अच्छी बातें, बुरी बातें भी कह रहे हैं, वो भी जिस दिन ये कारवा आगे बढ़ेगा वो भी वापस आएंगे, लौटेंगे, अपनी गलतियाँ मानेंगे, हमें किसी को बुरा नहीं कहना। मगर मेरी राय आपको ये है, ज़्यादा काम कीजिए, घर से निकलिए, लोगों को तैयार कीजिए, लोगों को समझाइए, ये जिम्मेदारी है इस कारवा को आगे बढ़ाने की। फिर आपसे मुलाकात होगी, आप कभी पंजाब आएँ और फगवाड़ा आएँ तो हदियाबाद ज़रूर आएँ, ये पार्क ज़रूर देखें। तो और ये मेरे रहबर की माननीय साहब श्री काशीराम, मेरे आदर्श, मेरे गुरु, इनके स्टैचू को भी देखें, इनके त्याग, बलिदान, समर्पण को देखें, इनकी फ़ोटो के साथ एक बार अगर आप इनके चरित्र को और इनके जीवन, जो पूरा जीवन इनका है, उसको पढ़ेंगे, तो मैं लिख के देता हूँ कि आप कैडराज व्यक्ति बनेंगे और आप ना बिकाऊ, आप बिकाऊ नहीं बनेंगे, आप टिकाऊ बनेंगे और समाज के लिए समर्पण की भावना से काम करें। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, गुरु गुरुदेव, जय संविधान, जय काशीराम। और अभी जैसा मैंने कहा था, NPR, NRC, CA और रिजर्वेशन के लिए अब बड़े आंदोलन स्टार्ट होंगे उसके लिए, क्योंकि अब हमारी दो ही जगह है, क्या तो सड़क या जेल, इसलिए हम राजनीतिक दल बना रहे हैं कि आराम से काम कर सकें।
क्योंकि युवाओं ने इतनी ताकत दी है 23 तारीख का भारत बंद कराने में, बड़ी सफलता हासिल की। पूरे तमाम देश के सब युवा साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने साबित किया कि युवा बदलाव की तरफ है, युवा इस देश में जज्बा रखते हैं परिवर्तन का, तो आपको बहुत बहुत मुबारक। फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर ये स्टैचू और मैंने फिर दोबारा दिखा देता हूँ, छत्रपति साहू जी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहब, माँ सावित्री बाई फुले साहब, माँ रमा देवी और तथागत बुद्ध। तो फिर आपसे मुलाकात होगी, आप लोग जुड़े रहिए। जैसा मैंने कहा, मेरी बातों को फॉलो कीजिए। मुझे अगर आप मेरी बात नहीं मानते, ये भी मेरा अपमान है, तो ऐसा ना कराएं। मैंने किसी को बुरा कहना नहीं सिखाया, मैंने हमेशा अपना काम करना सीखा और आगे बढ़ना सीखा। आप लोगों को मेरी बहुत बहुत मंगल कामना। मैं पूरे देश के तमाम क्रांतिकारी साथियों को, युवा साथियों को, अब हम सभी संगठनों को भी साथ में जोड़ के, सभी लोगों को भी साथ में जोड़ के, और एक बहुजन समाज का एक बड़ा मूवमेंट बनाएंगे जो सफलता की तरफ जाएगा। और जो लोग आज हमसे नाराज़ हैं किसी वजह से, स्वार्थ की वजह से, या किसी पार्टी में होने की वजह से हमें बुरा भला कह रहे हैं, वो भी कल इस मूवमेंट के साथ खड़े होंगे, क्योंकि सब लोग अंततः बाबा साहब और माननीय साहब काशीराम के सपने को पूरा होता देखना चाहते हैं, यहाँ बहुजनों का राज चाहते हैं। जय भीम, जय भीम आर्मी। मैं पंजाब से आपका भाई चंद्रशेखर आजाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।